सब्सक्राइब कीजिए वीएम टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाइए नए वीडियोस की जानकारी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं वीएम टेक्निकल। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ग्लू गन की। तो ये जो ग्लू गन है मैंने लोकल स्टोर से ली है और मुझे वो लगभग 200 रुपये को गई है और उसके साथ सिर्फ एक छोटा सा ग्लू स्टिक आया है। और जब आप अमेजोन से ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ 4 या 5 ग्लू स्टिक आ जाते हैं, लेकिन उससे उसकी प्राइस जो है वो 210 रुपये से लेकर 300 रुपये तक है और उससे आगे भी है, लेकिन उसके डिलीवरी चार्जेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मैंने जो है वो लोकल स्टोर से ही खरीदी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है वो 40 वाट की है और इसका टेम्परेचर जो है वो 380 डिग्री सेल्सियस का है। तो चलिए हम इसे ओपन करके देखते हैं। और आप देख सकते हैं इस तरह से ग्लू गन है, आप देख रहे होंगे। और ये जो है वो प्लग पिन है, इसे आपको एक्सटेंशन बोर्ड में लगाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं ये जो है वो छोटा एक ग्लू स्टिक है और उसके साथ ही हमें एक क्लैंप भी दिया है। ये क्लैंप जो है वो आपको यहाँ पे लगाना है। और ये देखिए हमने जो क्लैंप लगा दिया है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए अब हम इसे यूज कैसे करते हैं वो बताते हैं आपको। तो सबसे पहले तो आपको ये जो ग्लू स्टिक है वो मैंने उसी दुकान से खरीदी है। तो सबसे पहले आपको इसमें ग्लू स्टिक इंसर्ट करनी पड़ेगी, ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जैसे ही आप ये नॉब दबाते हैं तो आपकी जो ग्लू स्टिक है वो अंदर खींची चली जाती है। और इसको अंदर डालने के बाद आपको इस गन को इलेक्ट्रिक सप्लाई देना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के बाद आपको 5-10 मिनट रुकना पड़ेगा। तो जब आपकी ग्लू गन जो है वो गर्म हो जाएगी तभी आपका ग्लू जो है वो नीचे निकलेगा। तो चलिए हम इसे कुछ समय के लिए हॉट होने के लिए रख देते हैं। हमारी जो ग्लू गन है वो पूरी तरह से हीट हो गई है, तो बस आपको इस नॉब को दबाना है ऐसा। और जैसे ही आप दबाते हैं तो ग्लू जो है वो नीचे आ जाता है और उसके बाद आपको बस ये जो है वो इस तरह से चिपका देना है। और देख सकते हैं आप हमारे जो डीसी मोटर्स है वो सही तरह से चिपक गए हैं और इसी तरह आपको यूज़ करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यही तक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।